13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लैक मनी का खुलासा करने वाले गुजरात के व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। पूछताछ में खुद को निर्दोष बताने वाले शाह ने अघोषित आय को अपना बताने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल गुजरात के रहने वाले महेश शाह वही कारोबारी हैं जिन्होंने 30 सितंबर की रात को जब आईडीएस स्कीम खत्म हो रही थी उसके कुछ घंटे पहले 13,860 करोड़ रुपए को अघोषित आय के तौर पर घोषित किया था। महेश शाह को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 25% जुर्माने की राशि 30 नवंबर से पहले जमा करानी थी, लेकिन जब वो राशि जमा नहीं करवा पाए तो उनकी अघोषित आय डिक्लेरेशन को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके घर, ऑफिस और उनके सीए के यहाँ छापा मारा और महेश शाह को हिरासत में ले लिया। बहरहाल लंबी पूछताछ में शाह ने बताया कि घोषित किए गए पैसे उनके हैं ही नहीं बल्कि किसी और के हैं। उन्होंने कमीशन के लिए कुछ राजनेताओं और व्यापारियों के पैसे अपने बताकर घोषित किए थे। हालांकि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में महेश शाह ने बताया कि उनका कुछ कारोबारियों और नेताओं ने इस्तेमाल किया है जिनके बारे में वो जल्द ही खुलासा करेंगे। बहरहाल आयकर विभाग ने इस मामले में महेश शाह का बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 13,860 करोड़ रुपए की संपत्ति आखिर किसकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।